दोस्तों, मैं शुरुआत में सभी को स्वतंत्रता दिन की बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज बहुत अच्छा दिन है। मैंने सोचा इंट्रा डे का वीडियो बना दूं, तो मैं आज कुछ इंट्रा डे के स्टॉक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि मंडे के लिए 16 अगस्त के लिए इंट्रा डे के लिए स्टॉक बताने वाला हूँ। उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मंडे से हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का लाइव क्लास शुरू हो रहा है, जो 1 महीना चलेगा और लाइव मार्केट में चलेगा। जिनको भी इसमें इंटरेस्ट रहेगा, दिए हुए नंबर के ऊपर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखते हैं चार्ट के ऊपर जाके। तो दोस्तों, निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, तो जो वीकली व्यू रहता है आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन में उसका मैं रेफरेंस भी दूंगा, या चैनल के ऊपर जाके आप वो देख सकते हो। कल के लिए हमको कुछ स्टॉक देखने हैं, जैसे कि फ्राइडे को बहुत ही मार्केट पॉजिटिव था और कुछ स्टॉक जो है कि बहुत ही अच्छे जिन्होंने ब्रेकआउट किए हैं। तो पहला जो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया। ये रेंज ब्रेकआउट होता है और देखो तो आप, ये ऑल टाइम हाई है। तो ये रेंज ब्रेकआउट के बाद जो कि रेंज का जितना विथ होता है उतना ही मार्केट ऊपर जाएगा, और जो कि फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट किया है तो हाई ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये मंडे को भी ये रैली कंटिन्यू करता है तो 811 811 के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा इंट्राडे का। यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई है तो आप उसको पहला जो है कि टारगेट उसका रख सकते हैं 1% का, और उसके बाद उसको ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑल टाइम हाई शेयर रहेगा तो मैं मोस्टली उसका 1% का टारगेट देता हूँ। टॉप लॉस आपको लगाना है तो मैं एवरी इसमें बताता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे अपने ऊपर जाने के बाद बाय किया, तो पहला जो कैंडल कोई भी अगर ऊपर गया और नीचे कोई कैंडल आ गया ये लेवल के नीचे, तो आपका टॉप लॉस होता है। या फिर आप नजदीक वाला जो लो रहता है उसको टॉप लॉस लगा सकते हो थोड़ा सेफर साइड के लिए। तो जैसे मैं जितने भी स्टॉक बताऊंगा तो आपको ऐसे ही ट्रेलिंग करने हैं टॉप लॉस के लिए। अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई शेयर अगर आपने बाय किया 1% के ऊपर जा रहा है, वो जैसे ऊपर जाता है तो नजदीक वाले टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हो। तो आपका टॉप लॉस का जो ये है डिफिकल्टीज है शायद यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं एलएनटी। तो एलएनटी भी देखिए कि अच्छा ब्रेकआउट किया, नजदीक का जो हाई था उसको ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई गया है। जो लेवल है 1675 के ऊपर मंडे को जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई है तो हमको 1% का रखेंगे और उसको ट्रेलिंग करते जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया यहाँ पे, और अगर आप पीछे देखोगे तो लगभग जितने भी रेसिस्टेंस थे उसके, जितने भी अभी तक रेसिस्टेंस थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का। तो 639 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, 1% का टारगेट रख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि फ्राइडे को मार्केट बहुत तेजी में था, पॉजिटिव था, तो मंडे को भी अगर मार्केट जब पॉजिटिव होता है, जब भी निफ्टी पॉजिटिव होगा तभी इसमें आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है टाटा स्टील। तो मेटल के स्टॉक बहुत मूवमेंटम कर रहे हैं, और इसका टाटा स्टील का 1481 ये जो लेवल है ये भी ऑल टाइम हाई है। अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई है, तो अगर ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ब्रेकआउट का। तो 1481 के ऊपर ही अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये आपको बाय करना है। और नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टॉक है बहुत ही जो सभी का फेवरेट है, मैंने वीकली व्यू में भी इसका जो है कि डिटेल लिया था, लेकिन इसको हमको इंट्राडे भी आप कल इसको बाइंग कर सकते हो। तो इसमें क्या ये आया था वो देखेंगे। तो जैसे कि बहुत अच्छी गिरावट के बाद यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, तो बहुत सारे लोग पूछे कि सर हेड एंड शोल्डर में दो शोल्डर होते हैं, एक शोल्डर यहाँ पे होता है, एक शोल्डर यहाँ पे लेफ्ट और राइट होता है, तो एक एडिशनल शोल्डर कैसा? तो हेड एंड शोल्डर में एडिशनल शोल्डर हो सकता है। बाकी जो हमारे डिटेल्स हैं ये डिटेल्स एज पर जो कि हेड एंड शोल्डर में होते हैं वैसे ही जा रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे बन रहा है ब्रेकआउट का, 2150 के ऊपर अगर कल जाता है, राउंड फिगर भी है, तो आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो कि इंट्राडे का एक बड़ा टारगेट आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कि एक कैंडल डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको इंट्राडे का 2207 तक भी टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ये जो लेवल है 2150 के ऊपर एक कल क्लोजिंग देता है तो पोजिशनल टारगेट 2261 या 70 तक भी जा सकता है, ऊपर का पोजिशनल का टारगेट। तो कल एक मंडे इम्पोर्टेंस रहेगा,
एक ऐसे ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट होते ही 2150 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक तो ऊपर जाने के बाद या रिटेस होने के बाद आप बाय कर सकते हो, टॉप लॉस भी, और मैंने टारगेट भी यहाँ पे आपको बताया। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिए। और दोस्तों जब भी मैं आपको पॉजिटिव स्टॉक देता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको निफ्टी भी देखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव भी सही जा रहा है और एक स्टॉक के लेवल अच्छी तरह ब्रेकआउट हो रहे हैं तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मंडे से हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का लाइव क्लास शुरू हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे यहाँ पे कॉल सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट दीजिए। और फिर से एक बार आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि आपका इंडिपेंडेंस और बहुत अच्छी तरह जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।